औद्योगिक नगरी में लगातार फर्जी फेसबुक आईडी से ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। ठग शहर के व्यापारी दुकानदार को अपना निशाना बना रहे हैं। अब उन्होंने शिकार बनाया है जाने माने बॉलीवुड सिंगर को। पानीपत के रहने वाले मशहूर सिंगर विकास की फर्जी आईडी से ठगी के आरोप में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के युवक को खुद सिंगर ने काबू किया है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल, देखिए आज से करीबन 1-1.5 साल पहले किसी व्यक्ति ने मेरे नाम से फेक आईडी बना ली थी फेसबुक पे, और जिससे वो जो मेरे नॉन और जितने बंदी थे उनसे वो जो है ना पैसे की डिमांड करता था, और उसी विषय पे कल पानीपत में उस बंदे की गिरफ्तारी हुई है और ये मामला पूरा था जी। कैसे आपने उसको पकड़ा, कितना टाइम लगा इसको पकड़ने में, क्योंकि पहले भी आप कंप्लेंट दे चुके थे? मैं पहले देखो कंप्लेंट दे चुका था, मैंने इस बंदे को पहले भी किसी से नंबर निकलवा के जो जिससे विकास बनता था मैंने इसको फ़ोन किया था कि भाई ये सब अच्छी बात नहीं है, ये सब बहुत गलत बात है, आप मेरे नाम का मिसयूज कर रहे हो। तो इस बंदे ने मेरे को फ़ोन काट के मेरा ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया। तो कल एक्चुअली क्या हुआ था, परसों किसी लड़की का मेरे पास किसी मॉडल का फ़ोन आया, तो के ऐसे ऐसे आपके नाम से ना जो है ना फ़ोन आ रहा है मेरे पास, और वो मेरे को गंदी गंदी बातें बोल रहा है, मिलने के लिए बोल रहा है, कुछ ऐसी बातें बोल रहा है। तो मैंने उससे कहा मैं नंबर दो, तो उसने नंबर दिया, तो फिर मेरे को जो है ना पता चला कि ये तो वही नंबर है जिससे मेरी बात हुई थी, मेरे पास 6 नंबर था ये। तो फिर मैंने उसको मैसेज किया किसी अननोन नंबर से कि मैं ऐसे ऐसे भाई आपकी फ़ैन बोल रही हूँ और मेरे को आपसे एक बारी मिलना है। तो मैंने पूछा आप कौन बोल रहे हो, तो उसने कहा कि मैं विकास कुमार सिंगर बोल रहा हूँ जिसने गाना गाया था हट जाता उपाध्य में। तो मेरे को 100% ये लगा कि जब ये मेरे को इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहा है मैसेज में फर्स्ट टाइम, और तो ये और लोगों को तो जरूर 100% मतलब वो करेगा। तो उसी के जाल में हमने उसको, उसने कहा कि मेरे को कुछ पैसे की ज़रूरत है, मेरी माँ का ऑपरेशन होना है, तो हमने कहा कि ठीक है आप पानीपत आ जाओ और पानीपत आके आप पैसे ले जाओ। तो ये बंदा पैसे लेने के लिए पानीपत आया, तो जिसकी सूचना हमने पुलिस को दी और जो है ना इसको गिरफ्तार